शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रीय मांग दिन के अवसर पर आने वाले 16 जून को शहर में केंद्र सरकार के वाद खिलाफी के खिलाफ नागरिकों के कई मांगों को लेकर भव्य आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जानकारी माकपा के जिला महासचिव अरुण लाटकर इन्होंने दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रीय मांग दिन के अवसर पर आने वाले 16 जून को आयकर न भरने वाले ऐसे व्यक्तियों को 7,500 रुपए प्रति माह के अनुसार अगले 6 महीने तक नगद भुगतान करे और मनरेगा योजना का विस्तार शहरी भागों में करे। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण बंद करे। ठीक उसी प्रकार से मांगने वाले हर किसान को बिना शर्त कर्ज जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता तत्काल शुरू करे। ऐसी की मांगों को लेकर 16 जून को भव्य आंदोलन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का बजट अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान नहीं कर सकता है, ऐसी जानकारी इस समय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महासचिव अरुण लाटकर इन्होंने दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आने वाले 16 जून को केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ मांगों के साथ में एक आंदोलन होने जा रहा है। किस प्रकार का आंदोलन होगा ये जानने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अरुण लाटकर जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। लाटकर साहब, ये बताए कि किस तरह का ये जो आंदोलन जो आप करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले बात यह है कि जो गरीब कल्याण बजट योजना मोदी सरकार ने जाहिर की और बाद में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो जाहिर किया, उसका कुछ भी हिस्सा आम जनता की जेब में आने वाला नहीं है। 1,500 रुपये महीने का छोड़ दिया जाए तो कुछ भी उनके जेब में जा नहीं रहा। इसकी वजह से जो आम मजदूर है, जो स्थलांतरित हुए, जो किसान है, खेत मजदूर है, उनके इसमें जब तक उनके जेब में कुछ पैसा नहीं डालोगे तब तक वो ग्राहक बनकर बाजार की डिमांड बढ़ा नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले हर छः महीने तक के हर महीने उसके खाते में कम से कम 7,500 रुपये केंद्र सरकार डाले। दूसरी बात यह है कि जो ये है जो इनकम टैक्स नहीं भरते उनके लिए, उसके बाद हमने बोला है कि ये जो खरीफ हंगाम आ रहा है इसमें कर्जा बांटने के महाराष्ट्र शासन के आदेश होने के बावजूद केवल 7% लोगों को कर्जा दिया गया है। जो पैकेज ऐसे में मध्यम स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनको देने का जो पैकेज है, वो पैकेज के अंदर केवल 3% का बंटवारा हुआ है। ऐसे वक्त में अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। हम चाहते हैं कि लोगों को डायरेक्ट मदद की जाए, इसलिए ये मांगे जो है ये मांगे हम लोग उठा रहे। उसके साथ आखिरी की मांग जो है वो सार्वजनिक उद्योगों का जो निजीकरण हो रहा है, ये सार्वजनिक उद्योग हमारे आत्मनिर्भरता के, देश को आत्मनिर्भर बनाने के तरफ का एक साधन था। ये आत्मनिर्भरता के नाम पर इन्हीं उद्योगों को बेचा जा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम इस मोदी सरकार का ये निर्णय के लिए निषेध करते हैं और इनका ध्यान खींचना चाहते हैं कि आप अभी भी आम जनता को अपना ग्राहक बनाने के लिए ये हमारी मांगें मंजूर करें। तो आप थे जिला सचिव अरुण लाटकर, जिन्होंने बखूबी बेबाके के साथ बात करते हुए कहा कि बैंक हो चाहे बीमा हो, इनका जो प्राइवेटलाइजेशन जो हो रहा है ये सरकार इस और ध्यान दे और जल्द से जल्द जो प्राइवेटलाइजेशन जो हो रहा है उसको बंद करे, क्योंकि सरकार की जो नीतियां है गरीबों के कामकाज आने वाली होना चाहिए और ये नहीं है, जिसके चलते आज भी देश में कई लोग भूखे पैसे मर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है और बेरोजगार की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुकी है। ऐसे में युवाओं को रोजगार मिलने के लिए भी केंद्र सरकार कुछ अच्छी पहल करे, इस तरह के सुझाव इस आंदोलन के माध्यम से दिए जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।